फिलिस्तीन एक हिस्से पर मई 1948 में कब्जा किया गया, माबाकी हिस्से को 67 में कब्जा किया गया, जबकि फलस्तीन की आवाम को बैनुल अक्वामी क़वानीन के तहत खुद इरादियत, कौमी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का नाकाबिल तस्दीक हासिल है। इन्हें हर तरह के कब्ज़े के ख़िलाफ़ मज़ाहमत और अपनी ज़मीनों को नाजायज़ कब्ज़ों से पाक कराने का भी मुकम्मल हक हासिल है। इन्हें अपने घरों और जायदादों पर वापस जाने का भी हक़ है जो 1948 से उनके पास है। गाज़ा भाई सुनिए सुनिए, गाज़ा दुनिया का सबसे बड़ा हिरासती कैंप है। 2006 से गाज़ा पर जालिम ताकतों का कब्ज़ा है, जिसके बाद ज़मीनी, फिजाई और समंदरी नाकाबंदी की गई। गाज़ा के 20 लाख अफराद को मुसलसल तबाही का सामना करना पड़ रहा है। इन्हें बुनियादी ज़रूरियात, नकल व हरकत के हक़ से महरूम रखा गया। गाज़ा के लोगों ने बार बार जंग व जदल का सामना किया है और वह एक मुस्तकबिल इज्तिमाई अज़ियत बर्दाश्त कर रहे हैं। गाज़ा के 80% लोगों की गुजर बसर बैरूनी इमदाद पर मुनसर है। गाज़ा की नस आबादी बच्चों पर मुश्तमिल है। इसराइल गाज़ा की नाकाबंदी, गाज़ा के लोगों पर बमबारी, उनके हिस्से पर कंट्रोल और उन लोगों पर अपनी निगरानी को फौरन ख़त्म करे। फलस्तीन के मकबूज़ इलाके मगरबी किनारा में हर रोज़ लोग मसाइब और मुश्किलात के अलावा नस्ली इम्तियाज को बर्दाश्त कर रहे हैं। मगरबी किनारा का जबरन इलहाक और वहाँ बस्तियों को आबाद करना गैर अखलाकी और गैर क़ानूनी है। आलमी अदालत इंसाफ ने मगरबी किनारा में दीवार की तामीर को बैनुल अक्वामी क़वानीन के ख़िलाफ़ वर्जी करार दिया है। इस इलाके के लोगों को 1500 चेक पॉइंट्स का सामना है जो उनकी आज़ादना नकल व हरकत से रोकते हैं। इसराइल को चाहिए कि वह नस्ली इम्तियाज़ की दीवार गिराए, फलस्तीनियों को मुआवजा अदा करे और इनकी तमाम ज़मीनों को वापस करे जहाँ से इन्हें बेदखल किया गया है। हम मस्जिद अक्सा के तकद्दस की बार बार पामाली और बेहरमती और मुसलमानों के तीसरे मुकद्दस तरीन मजहबी मुकाम पर इबादत में रुकावटों की इसराइली कोशिशों की मजम्मत करते हैं। हम इसराइल की तरफ से मकबूज़ इलाक़ों में मसाजिद और गिरगाघरों को निशाना बनाने की मजम्मत करते हैं। बशमूल गाज़ा में हालिया अरसे में बमबारी के ज़रिए यूनानी ऑर्थोडॉक्स सेंट पोरफेरेंस चर्च पर, जो दुनिया का तीसरा कदीम चर्च पर बमबारी की गई, इसकी भी मजम्मत करते हैं। हम इसराइल की तरफ से दवाखानों, स्कूल समेत शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बार बार बमबारी की जा रही है, मजम्मत करते हैं। हम सियासी मकासद के हुसूल के लिए तशद्दुद के इस्तेमाल की मजम्मत करते हैं। जो मासूम जानें ज़ाय हुई हैं, इस पर हम गहरे गम व ताज़ियत का इज़हार करते हैं। इसराइल को ओस्लो के माहदे का एहतराम करते हुए बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वामे मुत्तहिदा की क़रारदादों पर अमल करना चाहिए। इसे गाज़ा पट्टी, मगरबी किनारा और बैतुल मुक़द्दस में अपने गैर क़ानूनी कब्ज़ों को बर्खास्त करना चाहिए जो 1967 के बाद से किए गए हैं। इसराइल एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम में मज़ीद रुकावटें ना डालें। भारत हमारा वतन अज़ीज़ 1774 में PLO को फ़लस्तीन के अवाम के जायज़ और वाहिद नुमाइंदे के तौर पर तस्लीम करने वाला पहला गैर अरब मुल्क है। 1988 में भारत ने आज़ाद रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क है। जमहूरी भारत को फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत की अपनी इस कदीम रिवायत को बरकरार रखते हुए इसका एहतराम करना चाहिए। हम हुकूमत हिंद से कहना चाहते हैं कि बाबा कौम महात्मा गांधी की इस बात को याद रखा जाए कि फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है, जिस तरह इंग्लिस्तान अंग्रेज़ों का और फ्रांस फ्रांसीसियों का है। भारत ने हमेशा नस्ल परस्ती और नौआबादी निज़ाम के मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती किया है, चाहे वह जनूबी अफ्रीका हो या इंडोनेशिया और फ़लस्तीन। हमें इस रिवायत और तारीख को तर्क करना नहीं चाहिए। हम भारत की कुछ रियासत हुकूमतों की जानिब से गाज़ा में इसराइली जंगी जराइम बशमूल दवाखाने, स्कूल और गिरजाघरों, मस्जिद पर हमले के खिलाफ अवामी मज़ाहरों की हौसला शिकनी या फिर मज़ाहरीन के खिलाफ मुजरिमाना पाबंदियों की मजम्मत करते हैं। हम आजमाइश की इस घड़ी में फ़लस्तीनी अवाम के साथ एक जहती का इजहार करते हैं और उनके साथ खड़े हैं और आलमी बिरादरी से मुतालबा करते हैं कि इसराइल पर लगाम कसे, जो इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम और फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी का इरतकाब कर रहा है।
हम मकबूज़े गाज़ा पट्टी से फ़लस्तीनी बरादरी को जज़ीरा नुमा सीनाई और मगरबी किनारे से उर्दन की तरफ बेदखली के इसराइली मंसूबों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं और इसे सरासर मुजरिमाना और गैरकानूनी करार देते हैं। और क्या आपके करारदाद मंजूर है? तो नारा लगाइए, नारे तकबीर, फलस्तीन, फलस्तीन, गाजा की आवाम, गाजा की आवाम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज तक जब असद साहब का नाम लेते पागल, अब तक इसराइल की जानिब से हमले में 5,080 लोगों की शहादत हुई है, जिसमें से 2,000 बच्चे हैं, 1,119 खवातीन हैं, 190 ज़ईफ लोग हैं, 15,890 लोग जख्मी हैं, 50,000 खवातीन गाजा में प्रेग्नेंट हैं। इसीलिए आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि आप दुआ करिए गाजा की आवाम के लिए, और हम हमारी हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि जिस तरह 1987 में श्रीलंका में जाफना में जब टेमिलियंस पर ये इस तरह का महासरा कर लिया गया था, तो भारत की हुकूमत ने प्लेन के ज़रिए से टेमिलियन जो जाफना में फंसे हुए थे उनको खाना और तकसीम किया था। इसी तरीके से हम अमरीका को याद दिलाते हैं, बरतानिया को, फ्रांस को, कि जब दूसरी जंग अजीम 1948 से 1949 मई तक जब बर्लिन पर कब्जा हो रहा था, तो अमेरिका ने सोवियत यूनियंस को कहकर एक कॉरिडोर बनाया था ताकि वहाँ पर बर्लिन के लोगों को खाना मिल सके। ये तमाम चीज़ें सामने हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि यहाँ बैठकर गाज़ा की आवाम की तकलीफ़ को महसूस करिए, फ़लस्तीनियों के लिए दुआ फरमाइए। आज आपको कुर्सी नहीं मिली तो आप खड़े रहने में तकलीफ़ महसूस कर रहे थे, सोचो थोड़ी देर के लिए कि तुम्हारी बहन है जिसके पास वो प्रेग्नेंट है, हामिला है, अस्पताल नहीं है। मैं सलाम करता हूँ फ़लस्तीन के उन मासूम बच्चों को जो अपने माँ बाप की लाशों को देखकर भी नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद कर रहे हैं। मैं सलाम करता हूँ वो फ़लस्तीन की माओं को जिन्होंने अपने औलाद की लाशों को देखकर भी कह रहे कि बैतुल मुकद्दस हम तुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं सलाम करता हूँ उन बुज़ुर्गों को जो अपने सामने अपनी औलाद की शहादत को देखकर भी कहते हैं कि सलाहुद्दीन अयूबी तो अभी मरा नहीं, हम जिंदा हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुज़ुर्गों, हमको इनके लिए दुआ करना है। और मेरे साथ एक और मर्तबा नारा लगाइए कि फ़लस्तीन, फ़लस्तीन, ज़ोर से नारा लगाइए, फ़लस्तीन, 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 मस्जिद अक्सा जिंदाबाद, मस्जिद अक्सा जिंदाबाद, मस्जिद अक्सा जिंदाबाद, बैतुल मुक़द्दस जिंदाबाद। और जिन ज़ालिमों ने इनको कत्ल किया, शहादत इनको दी है, याद रखो मस्जिद अक्सा के उन बुनियादों पर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फोंकेंगे और अल्लाह हर जालिमों से अपना बदला लेगा। अब मैं अमीर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो दुआ फरमाए, दुआ होगी, दुआ के लिए तकरीर का वक्त कोई तो नहीं है। अमीर साहब दुआ फरमाएंगे और खामोशी से सुनिए और आमीन कहते रहिए।